आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। हमारे यहाँ पर जय शिवरात्रि भोलेनाथ। को जलाई के लड्डू विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। कल देव हमारी भोले महिला प्रसाद जी मंडल द्वारा जो कॉलोनी की है अपने पड़ोस का सभी का प्रोग्राम कर रखा है, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। ये हमारे द्वारा जलाई के लड्डू की प्रिपरेशन बनने स्टार्ट हो गए। लगभग काफ़ी मात्रा में जलाई के लड्डू बनाए, क्योंकि सभी मोहल्ले वासी यहीं पर इकट्ठा होकर दोपहर को 2 बजे भजन संध्या का प्रोग्राम भी है, तो भोले के गुणगान करेंगे और भोले के अपने सभी कॉलोनी के लिए सुख शांति प्रार्थना भी करेंगे। और ये लड्डू आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और आपके यहाँ शिवरात्रि पर किस प्रकार की मिठाई बनाई जाती है वह भी अपने कमेंट में जरूर दें। और वीडियो अगर आपको यूजफुल और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दें। और आपके यहाँ क्या किया जाता है ये देखो आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे अलग से रख दिया ताकि कल सबको वितरित किए जा सके, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। चाय के साथ इसका आनंद जल अभिषेक के बाद किया जाता है। और ये देखो अभी तो, और ये साइड में आपको नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे, ये क्योंकि बच्चे बनते ही मांगने शुरू कर देते हैं, उनके लिए छोटे छोटे बना दिए गए हैं ताकि उनको काम मिला रहे और वो इनका एंजॉय कर सके, क्योंकि बच्चे को तो मिठाई खाना दिखते ही भूख लग जाती है। तो इस प्रकार बच्चों के लिए अलग से विशेष प्रबंध कर दिया ताकि शिवरात्रि के लिए जो लड्डू तैयार किए वो किसी प्रकार का झूठे ना हो। और आइए अब हम चलते हैं आपको अपने एक बैठे सदस्य का नाम दे रखा है, किसी को कोई मंदिर प्रशासन से कोई कमी नजर आए तो यहाँ इनको बर्दाश्त करते हैं। और ये देखो काफ़ी लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लेकिन सभी का नंबर जल्दी आ जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जल अभिषेक में भी ये नहीं है कि आप से दर्शन करते, प्रॉपर जल अभिषेक का सभी को प्रॉपर मौका दिया जाता है। बस यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आम दिनों की तरह अब ज़्यादा टाइम मिले और अपना जल अभिषेक पूर्ण श्रद्धा से करके थोड़ा शीघ्र सा से आप आगे प्रस्थान करें, ताकि और भी श्रद्धालु अपने अपने दर्शन करके और जल अभिषेक करके अपने व्रत का नियम पालन कर सकें। पूरे फूल यहाँ पर मंदिरों के द्वारा एक बढ़िया काम किया गया, उसमें फलों के लिए अलग से वो लगा दिया गया कि आप फल सिर्फ आप ऊपर रखें और अलग से दर्शन में डाल दें ताकि वो प्रसाद के रूप में सभी को वितरित किया जा सके, वेस्ट भी ना जाए। और साथ के साथ शिवलिंग की सफाई का विशेष प्रबंध किया गया, इसलिए मंदिर प्रशासन द्वारा जो अरेंजमेंट किए गए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ। ये श्रद्धालु को देख सकते हैं कितने शांत भाव भक्ति भाव प्रेम से अपने मंदिर का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो साथ के साथ सेल्फी फोटो वीडियो सब अपने अपने अनुसार कर रहे हैं। ये बच्चे देखो मस्ती मारते हुए, और यहाँ पर प्रत्यक्ष को भी ये प्रसाद या स्टॉल है, ये कुछ बच्चों द्वारा छोटे बच्चों द्वारा फूलों की सेल भी लगाई है, जो कोई घर से नहीं लाया फूल या तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। जो बच्चों को करियाई जो पैसे नहीं है, वैसे भी हिंदू धर्म में हमारे सभी देव देवताओं का फल फूल और वृक्ष अलग ही है और उनकी फेमस भी है, उनके लिए ये प्रसाद जो चढ़ाया है। और ये बच्चों द्वारा देखो कितनी सुंदर और भव्य फूलों से डिजाइन बनाए जा रहे हैं और मंदिर में अपना सहयोग दिया जा रहा है। ये तैयारी कर ले लाया था, ये साइड में दूसरा मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण राधा कृष्ण माता का दरबार लगा हुआ है। और ये देखो भक्तों को तिलक और
चरणामृत यहाँ पर दिया जाता है। कितना सुंदर और भव्य नज़ारा आप देख सकते हो यहाँ पर। मूर्तियों का थोड़ा लाइट की जैसे आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत क्योंकि यहाँ मूर्तियों को कोई चढ़ावा ये अंदर नहीं करने देते, बाहर ही लगा रखे ताकि बार बार वहाँ पर अव्यवस्था या सफाई ना हो, की समस्या पैदा ना हो। ये बहुत ही अच्छा कदम है, ये हम सबको भी सहयोग करना चाहिए। ये देखो सामने तुलसी माता को भी जल अभिषेक करते हुए भक्तजन, और ये प्रसाद आप देख ही सकते हैं। तो इस प्रकार देखो श्रद्धालु कोई भी जज्बाजी नहीं है, सभी अपना भक्ति है और भोले जा। इस मंत्र के जाप से तो बहुत ज़्यादा ही कष्ट और अकाल मृत्यु भी खत्म हो जाती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करें। या आपको इस मंत्र के जाप में कठिनाई आती है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोलने से भी काफ़ी हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है पॉजिटिव। ये देखो शिवलिंग को सभी अपने नंबर अनुसार जल अर्पित करते साथ में साथ कुछ सेवा भगत जन साथ के साथ इसकी सफाई भी व्यवस्था भी पूरा फोकस है, क्योंकि फूल फल हर प्रकार लोग अर्पित करते हैं। दूध दही घी सब आपके श्रद्धा के अनुसार उसके साथ जैसे सफाई हो जाती है, और शिवलिंग के साथ आप मंदिर में पूजा की जाती है और मंदिर द्वारा भी देखो जल अभिषेक दूध से अभिषेक। अब हमारा नंबर आ चुका है तो हम कर दिया। तो इस तरह आप सब जो देखो सीधा करें और अपने जीवन और सभी के जीवन के सुख की कामना भी जरूर करें। ये फूलों से अर्पण करते हुए देखो, और यहाँ पर इस मध्य कमेटी द्वारा बहुत अच्छा प्रसन्न कार्य किया है। जल अभिषेक देखो जल बिल्कुल प्यार से फूलों की सजावट तो आप देख ही चुके हो अद्भुतियों की। तो इस प्रकार पर्यावरण को भी हम संदेश देते हैं कि हमें पर्यावरण के प्रति कितना प्रेम है। ये देखो ये पुराना वृक्ष समय का, ये अब हनुमान मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। देखो कैसा आपको हनुमान मंदिर लगा, बहुत ही सुंदर हनुमान मंदिर विराजमान है यहाँ पर। जो श्रद्धालु अपना भक्ति भाव से यहाँ पूजा करते प्रसिद्ध दरबार है, और ये सजावट आप देख ही सकते हो। और खेड़ा आपको मैंने पहले दिखा दिया वीडियो अगर